गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आई एम प्रिंस त्यागी, लेक्चर मैकेनिकल। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारा वीडियो है इसमें हम जो करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो करंट अफेयर्स और जीके के। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है आर्टिकल टू विच अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन टू डील विद इन द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, या फिर द सेंटर एंड स्टेट ऑन वन साइड एंड अनदर स्टेट ऑन अदर साइड एंड टू और मोर स्टेट्स। तो किस अनुच्छेद के, हमारा जो संविधान है उसके कौन से अनुच्छेद के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच में अगर किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास में मूल अधिकार है। इस तरह के जो विवाद हैं वो हमारे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही देखे जाते हैं। सो इसमें एक तरफ केंद्र हो सकता है, हमारा सेंटर हो सकता है, दूसरी तरफ राज्य हो सकता है, या फिर दो राज्यों के बीच में हो सकता है, या फिर एक तरफ एक केंद्र और राज्य हो सकते हैं और दूसरी तरफ राज्य हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों को में क्वेश्चन हमने रखा है मैक्सिमम जितना हो सकता है, और एक्सप्लेन तो हम हिंदी में ही कर रहे हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आर्टिकल 131। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 131 है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का अधिकार मिला हुआ है अगर सेंटर और स्टेट के बीच में या फिर किन्हीं दो स्टेट के बीच में किसी भी तरह का कोई विवाद होता है। हमने फ्रेंड्स इस वीडियो से एक और बदलाव किया है कि जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसमें पहले हम फोर ऑप्शंस रख रहे थे, लेकिन अभी हम सिर्फ जो उसका आंसर है वही यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि आपको जो उसको याद रखने में और आसानी होगी, क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शंस तो कभी भी जो रॉन्ग ऑप्शन है वो चेंज होते रहेंगे, तो उन पे हम अपना ध्यान नहीं दें तो अच्छा रहेगा। तो हम सिर्फ जो करेक्ट आंसर है वही हम आगे आने वाली वीडियो में हम सिर्फ बताएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ आधार ए पीपल्स पर्सपेक्टिव रिपोर्ट कवरिंग 1,67,000 इंडियंस इज पब्लिश्ड बाय विच डेवलपमेंट कंसल्टिंग फर्म। तो ये एक रिपोर्ट एक फर्म ने जारी की है, स्टेट ऑफ आधार ए पीपल्स पर्सपेक्टिव, और इसमें लगभग 1,67,000 जो इंडियंस हैं उनको इस के रिपोर्ट को जनरेट करने में एनालाइज करने में इन लोगों से फीडबैक लिया गया। तो ये कौन सी फर्म ये वाली जो रिपोर्ट है वो जनरेट करती है, उस फर्म का नाम है डालबर्ग। नेक्स्ट फ्रेंड्स, विच ऑफ द कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर साउथ चाइना सी। तो जो आप आजकल सुन रहे होंगे कि साउथ चाइना सी के बारे में न्यूज में काफी आ रहा है कि वहां पर जो कुछ एक देश हैं उनके बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है, तो वही उसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर पर किन किन देशों का टकराव है। तो यहां पर है फ्रेंड्स जो कंट्रीज हैं वो है फिलीपींस, वियतनाम, चाइना, ब्रुनेई, ताइवान, मलेशिया। तो ये जो कंट्रीज हैं ये सब साउथ चाइना के आसपास वाली जो कंट्रीज हैं सब जो अपना सॉरी साउथ चाइना सी पर अपना आधिपत्य या अधिकार ये जमाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो अभी चाइना इस एरिया में सबसे ज्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार बताता है। और ये जो साउथ चाइना सी है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि बहुत ही बड़ी परसेंटेज में जो व्यापार से रिलेटेड जो शिप्स हैं जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाते हैं वो इसी साउथ चाइना सी से होकर गुजरते हैं। तो ये एक तरीके से वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर हम इसको कह सकते हैं, तो इसीलिए इस एरिया में अपना कंट्रोल के लिए ये टकराव की स्थिति बनी हुई है। आगे से फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें मैप भी डालेंगे, जिससे और भी अच्छा आपको समझ पाए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ए रिपोर्ट टाइटल्ड मार्केट स्टडी ऑन ई कॉमर्स इन इंडिया की फाइंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन हैज बीन रिलीज्ड बाय। तो एक ये रिपोर्ट है भारत में ई कॉमर्स पर मार्केट स्टडी
कुंजी खोज और अवलोकन शीर्षक से एक रिपोर्ट मतलब जारी की गई है। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है? मार्केट स्टडी ऑन ई कॉमर्स, जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे आप देखते हैं अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इस तरह के जो भी ई कॉमर्स जो ऑनलाइन जो बिजनेस है उसके ऊपर जो एक स्टडी की गई है। तो ये है हमारा, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जारी किया वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीसीआई भी बोला जाता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट मार्केट स्टडी ऑन ई कॉमर्स इन इंडिया की फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन के नाम से ये रिपोर्ट जारी की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेशनल गैस ग्रिड इज एन इकोनॉमिकल एंड सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द नेचुरल गैस। इट इंक्लूड्स विच ऑफ द मेजर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो एक नेशनल गैस ग्रिड नाम से एक परियोजना चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्रेंड्स, जिसमें जो गैस है उसको पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का लिए पाइपलाइंस प्रोजेक्ट बिछाए जा रहे हैं। तो अब जैसे कि जानते हैं कि अगर हम पाइपलाइन के थ्रू गैस को ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा, यानी कि सस्ता भी होगा और सेफ भी होगा। क्योंकि जैसे आप देखते हैं ज्यादातर जो गैसेज हैं, पेट्रोल हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो टैंकर्स में बाय रोड भेजी जाती हैं, तो वो एक तो इकोनॉमिकल भी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा उसमें आता है, और सेफ भी नहीं है कि अगर उस व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल गैस ग्रिड नाम से एक परियोजना चल रही है, और इसमें जो आंसर्स हैं फ्रेंड्स, हमने जो मेन है सारी गैस पाइपलाइन के नाम यहां पर हमने ऐड किए हैं। पहला है जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GHBDPL भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो फ्रेंड्स ये एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी गैस पाइपलाइन को प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा ईस्टर्न ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है, तो वो है जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट। दूसरा है फ्रेंड्स बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है एन्नोर तिरुवल्लुवर बेंगलोर पुडुचेरी नागापट्टिनम मदुरई टूटीकोरिन नेशनल गैस पाइपलाइन। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन गैस ग्रिड NER गैस ग्रिड। ये फ्रेंड्स जो है नॉर्थ ईस्ट का जो ग्रिड है ये एक ज्वाइंट वेंचर है 5 ऑयल गैस कंपनीज और सेंट्रल PSUs का, जिसमें है गैल गेल IOCL ओएल ONGC NRL, और इसका जो नाम है वो है, इन पांचों को मिलके जो ज्वाइंट वेंचर बनाया फ्रेंड्स, उस ज्वाइंट वेंचर का नाम है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड IGGL। तो ये जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड है ये नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स को जोड़कर उसमें गैस सप्लाई के लिए बनाई जा रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इनॉग्रेटेड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में I4C, यानी कि चार बार आई है, तो पहला है इंडियन, सॉरी चार बार सी है इसमें, तो आई फॉर इंडिया, और पहला सी है साइबर के लिए, दूसरा सी है क्राइम के लिए, तीसरा सी है कोऑर्डिनेशन के लिए, और चौथा सी है सेंटर के लिए। तो इसको जो इसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया I4C एंड लॉन्च्ड, ये तो सेंटर इन्होंने इनोग्रेट किया है और लॉन्च किया एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो जो इसमें हमारा I4C है, जो हमारा सेंटर है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो कहां पे लोकेटेड है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का शुभारंभ किया है। I4C कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है फ्रेंड्स दिल्ली में। Who has been awarded the 2020 Tyler Prize for his work in domain of green economy? तो ये कौन जो हमारे पर्सन है जिसको ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में काम करने के लिए 2020 का टाइलर प्राइज दिया गया है, हरित अर्थव्यवस्था। तो इनका नाम है फ्रेंड्स पवन सुखदेव, और ये हमारे जाने माने एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है।
इनको 2020 का टाइलर अवार्ड दिया गया। तो अब इसमें हम आपको एडिशनल एक इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी क्या है। एज पर यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूएनईपी भी कहते हैं, ग्रीन इकोनॉमी इज द वन दैट इंप्रूव्स ह्यूमन वेलबींग एंड बिल्ड्स सोशल इक्विटी व्हाइल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कैरसिटीज। तो ये हमारी डेफिनेशन है जो हमारे यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने दी है कि जो इंप्रूव ह्यूमन वेलबींग, यानी कि जो हमारा ह्यूमंस है, इंसान है, उनका जो रहन सहन का जो है, रहन सहन को इम्प्रूव करती है। बिल्ड सोशल इक्विटी, जो हमारा सामाजिक बराबरी जो बढ़ाती है। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एनवायरमेंटल रिस्क, जो पर्यावरण में जो होने वाले नुकसान है उनको कम करती है। एंड इकोलॉजिकल स्कैरसिटीज, जो कमियां जो हमारी इकोलॉजी में हो रही हैं उसको कम करती हैं। ऐसे जो इकोनॉमी है उसको हम बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI विद द हेल्प फ्रॉम गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज अटेम्प्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ए प्रोसेस टू रेस्टोर कोरल रीफ्स ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी। तो कोरल रीफ के बारे में आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलियन जो कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ जिसको हम बोलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में है, वो काफी फेमस है। तो ऐसे ही कोरल रीफ हमारे यहाँ पे भी है। तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कोरल रीफ्स को दोबारा से रेस्टोर करने के लिए बचाने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी? तो ये टेक्नोलॉजी है द बायो रॉक टेक्नोलॉजी। और इसके बारे में और जानते हैं तो बायो रॉक इज द नेम गिवन टू द सब्सटेंस फाउंड बाय इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स डिसॉल्वड इन सी वाटर ऑन स्टील स्ट्रक्चर दैट आर लोअर्ड ऑन टू सी बेड। तो बायोरोक एक ऐसे सब्सटेंस को नाम दिया गया है जिसके ऊपर में मिनरल इकट्ठे हो जाते हैं जो सी वाटर पर होते हैं, और ये स्टील का बनाया जाता है और इसको समुद्र में नीचे भेज दिया जाता है। उसपे जो समुद्र के जो मिनरल्स हैं उसमें वो खनिज पदार्थ जो समुद्र के पानी में मिलते हैं वो इस स्ट्रक्चर पर, स्टील स्ट्रक्चर पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोरोक। ये एक तरीके से बायोरोक मतलब वो वहां पर कोरल रीफ को रहने और बढ़ने में मदद करता है। एंड आर कनेक्टेड टू पावर सोर्स, इसको एक पावर सोर्स यानी कि बिजली से भी व्यवस्था की जाती है, जिसमें हल्का हल्का इसमें करंट सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम स्टील के स्ट्रक्चर में करंट सप्लाई करते हैं तो उस पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो बनने की प्रक्रिया है वो थोड़ी तेज हो जाती है, और उससे क्या होता है जो कोरल का जो लार्वा है वो इस कार्बन जो कैल्शियम कार्बोनेट है उस पर चिपक जाता है और वो ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है, यानी कि बढ़ सकता है और बढ़ा सकता है अपने आप को। तो इस तरह से हम जो कोरल रीफ है उसको बचाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिसका नाम है बायो रॉक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद, जो रामसर सम्मेलन हुआ था वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है वो है फ्रेंड्स, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। जो हमारी वेटलैंड्स हैं, जैसे मार्शी लैंड्स जिनको हम बोलते हैं, जहां पर दलदल वाला जो इलाका है या ऐसा इलाका जहां पे पानी भरा रहता है, उसके कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज यानी कि उसके बचाव और उसके सस्टेनेबल यूज करने के लिए से ये सम्मेलन जुड़ा हुआ है। रामसर कन्वेंशन हैज डिक्लेयर 10 मोर वेटलैंड्स इन इंडिया एज साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। दिस ब्रिंग्स द नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया टू 37 फ्रॉम 27। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स कि रामसर कन्वेंशन ने 10 एडिशनल वेटलैंड्स को इंडिया में जोड़ा है। तो अब रामसर साइट्स यानी कि वेटलैंड्स की कितनी नंबर हो गई है? 37। पहले 27 थे, अभी 10 और एड हो गए हैं, तो अभी रामसर साइट्स कितनी है इंडिया में फ्रेंड्स? 37। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नाम भी दिए, उसमें से एक है नातूर मधमेश्वर महाराष्ट्र में, सामन बर्ड सेंचुरी यूपी में, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी यूपी उन्नाव, समसापुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली यूपी, सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई यूपी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी यूपी, सरसाई नवर झील इटावा यूपी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब, नागल वाइल्ड सेंचुरी पंजाब,
केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब। तो आप देख सकते हैं कि जो ये 10 बढ़ाई हैं ऐड हुई हैं, इसमें से 3 पंजाब की हैं, 1 महाराष्ट्र की है और जो 6 हैं वो यूपी में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट अलाउड द सेंटर टू इंट्रोड्यूस विच एनिमल फ्रॉम अफ्रीका टू ए सस्टेनेबल हैबिटेट इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अफ्रीका से भारत में उपयुक्त निवास स्थान के लिए कौन से जानवर को अनुमति दी है। तो ये जानवर है अफ्रीकन चीता, और ये कहां से आएगा, नामीबिया जो देश है अफ्रीका का, वहां से इसको लाया जाएगा। चीता इज ए की स्टोन स्पेशीज ऑफ ड्राई फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट एंड सवानास। तो जो चीता है वो हमारा कहां पे एक महत्वपूर्ण प्रजाति बन जाता है, फॉरेस्ट में, ड्राई फॉरेस्ट, यहां पे सूखा जंगल है, श्रब फॉरेस्ट और सवानास। कीस्टोन स्पेसीज आर दोज विच हैव एन एक्सट्रीमली हाई इंपैक्ट ऑन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम रिलेटिव टू इट्स पॉपुलेशन। तो कीस्टोन स्पेसीज किनको बोलते हैं, ऐसी प्रजाति जिसका एक किसी खास इकोसिस्टम में बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसको हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। नेक्स्ट फ्रेंड, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOEFCC भी बोलते हैं, प्रोहिबिटेड द इशुएंस ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस फॉर विच ऑफ द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसने एक रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं फ्रेंड्स एसी में, रेफ्रिजरेटर में, जहां पे भी हमको कूलिंग करना होता है वहां पे रेफ्रिजरेंट यूज होता है, इसका लाइसेंस, मतलब इसको मंगाने का जो लाइसेंस है उस पर रोक लगाती है 1 जनवरी 2020 से। तो ये हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो है HCFC-141B, ये इसका नाम है, केमिकल कंपोजिशन हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन 141B, ये इसका नाम है। तो वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल आफ्टर क्लोरो फ्लोरोकार्बन। तो इसके ऊपर रोक क्यों लगाई गई है, क्योंकि ये क्लोरो फ्लोरोकार्बन के बाद सबसे खतरनाक ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल है, यानी कि ओजोन की जो परत है उसको ये उसका क्षरण करता है, उसको कम करता है, तो इसलिए इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। अब ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, ये 1987 में ये एक प्रोटोकॉल हुआ था, मीटिंग हुई थी वर्ल्ड लीडर्स के बीच में, और इसमें क्या एग्रीमेंट हुआ था, टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो इसमें जो एग्रीमेंट हुआ था कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है हमारा वायुमंडल का, उसमें जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के बारे में सब जानते होंगे, उसको जो खत्म कर रहे हैं, उसको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे सभी पदार्थों को हमने ना तो प्रोड्यूस करना है, ना तो उनका उत्पादन करना है, और ना ही उनको कंज्यूम करना है। तो ये क्या, किसके तहत है, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। तो इसी पर काम करते हुए भारत सरकार ने जो ये रेफ्रिजरेंट है जिसका कोड नेम है HCFC-141B, इस पर रोक लगा दी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फर्स्ट एवर ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय। तो पहली ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WEF भी बोलते हैं। सो सोशल मोबिलिटी कैन बी अंडरस्टूड एज द मोमेंट इन पर्सनल सर्कमस्टांसिस आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू दोज ऑफ देयर पेरेंट्स। तो ये किस चीज पर, जो इसका महत्वपूर्ण जो पैरामीटर है वो है कि हम अपने पेरेंट्स के रेस्पेक्ट में ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं या नीचे की तरफ, मतलब कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ये उस रिलेशन को स्टडी करता है और फिर एक ये रिपोर्ट उसके बेसिस पर जनरेट करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स असेसेस द 82 इकोनॉमीज ऑन फॉलोइंग 5 की डायमेंशन ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो सोशल मोबिलिटी के 5 बिंदुओं पर 82 इकोनॉमीज को उसने स्टडी किया है। पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, एजुकेशन में है एक्सेस, क्वालिटी, इक्विटी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। उसके बाद टेक्नोलॉजी, तो हमारे पहला हो गया हेल्थ, फिर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क, उसमें अपॉर्चुनिटीज, वेजेस, कंडीशन,
और प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन, सोशल प्रोटेक्शन एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। तो ये पांच पॉइंट्स पर, क्राइटेरिया पर स्टडी की गई है और इसमें डेनमार्क जो है वो सबसे पहले स्थान पर है, उसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, और इंडिया का है इसमें 76th रैंक है 82 इकोनॉमीज में, यानी कि 76वें स्थान पर है। और जो इसके पांच पैरामीटर है उनकी बात करें तो इंडिया है 41 पर है लाइफ लॉन्ग लर्निंग में और 53 पर है वर्किंग कंडीशन में। ओवरऑल रैंकिंग पांचों का मिला के 76 है। नेक्स्ट है फ्रेंड, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज बीन सेटअप बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन, जो हमारा NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उसने ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेट किया है। वो कहां पर है? तो ये है हमारा फ्रेंड्स बेंगलुरु कर्नाटक में। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर विच कैन बी यूज टू ट्रांसैक्ट अक्रॉस नोड्स और पार्टिसिपेंट। द ओनरशिप राइट्स आर रिकॉर्डेड इन क्रिप्टोग्राफिकल स्टोर्ड एंड लिंक्ड ब्लॉक्स विच कंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट अमंग द पार्टिसिपेंट दैट कैन रिमेन एनोनिमस। तो ये ब्लॉकचेन जो है एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है जो पार्टिसिपेंट्स के बीच में ट्रांसैक्ट करते हैं और इस पर ये पूरी तरह से क्रिप्टिक कंडीशन में रहता है, मतलब कि कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता है बिना किसी परमिशन के, ऑनरशिप जो इसका ऑनर है उसकी परमिशन के बिना इसको जो डाटा है उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वायरस विच आर ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल्स, वो वायरस जो जानवर और लोगों के बीच में संचारित होते हैं उनको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम जूनोटिक, और इसका सबसे ताजा उदाहरण जो है, एग्जाम्पल है, वो है कोरोना वायरस, क्योंकि ये हमारे अभी तक की स्टडी में पता लगा है कि ये जो हमारे बैट है, चमगादड़ है, उससे फैला है। यानी कि जो वायरस एनिमल्स और पीपल इंसानों में एक दूसरे में फैल जाते हैं उनको हम बोलते हैं जूनोटिक। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंडिया सेलिब्रेटेड 71st रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2020, हु वाज द चीफ गेस्ट। तो इस साल 26 जनवरी 2020 को भारत ने अपना 71वां रिपब्लिक डे बनाया, तो इस पर चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे हमारे ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो, प्रेसिडेंट है ब्राजील के। उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू सेट जूलॉजिकल गार्डन इन गोरखपुर टू बी नेम्ड आफ्टर फ्रीडम फाइटर। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने गोरखपुर में एक स्वतंत्र सेनानी के नाम पर एक जो हमारा जूलॉजिकल गार्डन है उसको स्थापित करने का मंजूर किया है प्रस्ताव। तो ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है शहीद अशफाकुल्ला खान, और ये जो अशफाकुल्ला खान है और उनके साथ में रामप्रसाद बिस्मिल जो है वो उनको काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में उसके लिए फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लाई हरोबा ए 5-डे लॉन्ग रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड बाय। तो लाई हरोबा नाम से एक 5 दिन लंबा चलने वाला एक उत्सव है, ये कहां पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुरी मैतेई कम्युनिटी द्वारा। तो कौन से स्टेट में? मणिपुरी, मणिपुर में मनाया जाता है, और कौन सी कम्युनिटी मनाती है? मैतेई कम्युनिटी इसको मनाती है। और लाई हरोबा का मतलब क्या होता है? फेस्टिविटी ऑफ गॉड्स और मेरी मेकिंग ऑफ गॉड्स, यानी कि हमारे हम जिसको भी मानते हैं भगवान उनका हम यहां पर खुशियां मनाते हैं उनके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेम द मंथ लॉन्ग फ्यूल कंजर्वेशन कैंपेन ऑफ पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन वाज लॉन्च्ड। तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है PCRA, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने 1 महीने के लिए ईंधन संरक्षण अभियान यानी कि ईंधन बचाओ एक अभियान शुरू किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सक्षम 2020, और सक्षम जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है, और उसको फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? संरक्षण क्षमता महोत्सव। तो ये एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि PCRA ने एक प्रोग्राम जो चलाया था सक्षम 2020, उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका नाम है संरक्षण क्षमता महोत्सव।
पीसीआरए है फ्रेंड्स वो रजिस्टर्ड सोसाइटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और ये एक नॉन प्रॉफिट एजेंसी है और ये प्रमोट करती है एनर्जी एफिशिएंसी इन वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो हमारा ऊर्जा है उसका हम कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ये उसके ऊपर काम करती है। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो आप जैसे जानते हैं कि जो हमारी हिंदुस्तान का पहला जो अंतरिक्ष में भेजा गया सैटेलाइट था उसका नाम था आर्यभट्ट, लेकिन कौन से साल में इसको लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 1975 में। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन 19 अप्रैल 1975 फ्रॉम रशियन स्पेस स्टेशन यूजिंग कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल। तो ये हमने लॉन्च कहां से किया था, लॉन्च किया था रशिया स्पेस स्टेशन से, रशिया की मदद से, और जो व्हीकल इसको लेके गया था वो था कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल का नाम था, और डेट है 19 अप्रैल 1975। नेक्स्ट फ्रेंड, सेकेंड बैटल ऑफ तराई वॉज फॉट बिटवीन, जो तराई का दूसरा युद्ध था किसके बीच लड़ा गया था, वो था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराई वॉज अगेन फॉट बिटवीन घोरिड आर्मी, जो मोहम्मद गोरी की जो आर्मी थी उसका नाम था घोरिड आर्मी, और जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी आर्मी थी राजपूत आर्मी, इनके बीच में ये 1192 एडी में तराई के पास में ये युद्ध हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन या प्रतिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी रिएक्शन दो केमिकल्स के बीच में, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, यानी कि बाहर ऊष्मा का संचारण होता है, यानी गर्मी निकलती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो दो केमिकल जब रिएक्ट करते हैं तो वहां पर हीट नहीं होती, वो बल्कि अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस एक्सो मीनिंग रिलीज एंड थर्मिक मींस हीट, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है एक्सोथर्मिक। एक्सो जिसका मतलब है बाहर निकलना, रिलीज करना, और थर्मिक का मतलब है हीट, यानी कि ऊष्मा का बाहर निकलना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल वीडियोस के लिए जुड़े हम हमारे चैनल से, प्रिंस त्यागी मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। थैंक यू फॉर स्टे।